नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे आपका स्वागत करता हूँ शेयर में। और आपका जो सीपीओ का जो है मार्क्स जो है वो आ चुके हैं, और कल आपने सभी लोगों ने मार्क्स देख लिए हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स थोड़े से अलग अलग लोगों के बढ़े हैं। तो कई डाउट्स थे, वो भी मैंने जहाँ तक जो लोगों ने पूछा था तो उसको भी मैं इसमें पूरा कवर करके, और जो मेरे मार्क्स जितने बने हैं वो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और जो डाउट था, जो कट ऑफ जो बढ़ी थी उसका तो पूरा आपको क्लियर ही हो गया था कि क्यों बढ़ी थी और किस वजह से बढ़ी, और अभी पूरा रीज़न भी पता चल गया है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो शिफ्ट था वो 12 की सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और मेरे दिन भी जो है नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक हुआ है, मार्क्स बढ़े हैं। एक मेरा दोस्त था, उसके 14 की फर्स्ट शिफ्ट में था तो उसके मार्क्स नहीं बढ़े ज़्यादा, 4-5 नंबर ही बढ़े हैं। तो ऐसी अलग अलग दिन में थोड़े थोड़े वैरी है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन से दिन एग्ज़ाम था, किस दिन मतलब किस शिफ्ट में, और आपके मार्क्स कितने थे, रॉ स्कोर कितना था, और उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था। तो जो 140 कट ऑफ गई थी तो सीधी सीधी बात थी कि लोगों के नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स लोगों के बहुत बहुत शिफ्ट में 20-20 नंबर तक बढ़े हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में 3 से 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर बढ़े हैं, कम तो किसी के नहीं हुए, सबके मार्क्स बढ़े हैं। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों की, मतलब क्या जितनी ज़्यादा हमारे मार्क्स होंगे एक्यूरेसी पे भी क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कहीं एक्यूरेसी का कोई फैक्टर नहीं है, तो आप एक्यूरेसी अगर आप क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि आपका रॉ स्कोर कितना होता है। रॉ स्कोर आपका जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दो बंदा है, दोनों ने एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो अगर मार्क्स लोगों के दोनों के सेम सेम है तो लोगों के जो मार्क्स बढ़ेंगे वो भी सेम ही बढ़ेगा अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, भले अटेम्प्ट कैसे भी किया हो, क्योंकि उनसे रॉन्ग मतलब क्वेश्चंस आप कितने कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो वो बताए बिल्कुल भी। लेकिन जितना जो रेलवे में जितना नॉमिनेशन का जो पूरा फॉर्मूला था उस पर तो मैंने पूरी एक वीडियो भी बना रखी है, आप देखिएगा। तो ऐसा कोई है नहीं कि आप कितने गलत करते हो उससे, लेकिन ये बिल्कुल है कि अगर किसी के 120 नंबर हैं और किसी के 160 नंबर हैं एक ही शिफ्ट में होंगे, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में 120 वाले का अगर 10 नंबर बढ़ रहे हैं तो उसके नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं, मतलब 160 वाले के। तो ये जरूर फैक्टर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में चेंजेस होगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट वाइज वेरी कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो हर दिन के लगभग, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1,000 लेते हैं या 1 लाख लेते हैं, कितने सैंपल लेते हैं, उनका वो मीन स्कोर निकालते हैं, और मीन स्कोर निकालने के बाद वो देखते हैं कि किस हिसाब से। अब देखिए, डेटा किसी के पास है नहीं, तो ये उन्हीं के पास डेटा है कि वो मीन स्कोर किस हिसाब से आता है। तो जिस शिफ्ट में जहाँ पे भी अगर मीन स्कोर कम आता है वो उसी हिसाब को बेस मान के, और बाकी शिफ्ट को मतलब जहाँ पे कम हुआ है उसको ना मान के, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं जिस शिफ्ट में उसको बेस मानते हैं, और बाकी जो शिफ्ट है उन सबको उस बेस के इक्वल करते हैं। तो उसमें बहुत से शिफ्ट में बहुत बहुत मार्क्स बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। और रेलवे में तो ये तक बताया गया था कि कुछ कुछ शिफ्ट में कम भी होते हैं, यहाँ पे कोई कम वाला तो नहीं अभी दिखाया गया। तो अभी मैं इसमें मार्क्स दिखा देता हूँ कितना, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हो पाया था क्योंकि मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस छोड़ रखी थी, तो वो आपने देखा होगा। तो मेरे जो मार्क्स बने हैं अभी जो है वो 158 बने हैं। मेरा नाम अक्षय पांडे है, और मेरे रीजनिंग में 40 बने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था टाइम की वजह से। और आपके जो जीएस है उसमें मेरी बनी है 26.25, क्वांट में 38.5, जो ये भी बहुत बेकारी मार्क्स हैं रीजनिंग और क्वांट में। इंग्लिश थोड़ा सा सही है क्योंकि इंग्लिश जो है पूरी प्रीवियस ईयर आ गई थी, तो आप मतलब समझ सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम ये सब सब मतलब अधिकतर सही गए थे। और रॉ स्कोर मेरे थे 144.75, और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो है वो 158.68, और आपका जो है 675 है। तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, आप अपने मार्क्स भी शेयर करिए, और आगे जो भी प्रोसेस है, और मैं बता चुका हूँ आपको फिजिकल के लिए, तो जहाँ तक आपका फिजिकल होगा वो जुलाई लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि आपका सितंबर लास्ट में आपका मेंस है, तो लगभग लगभग 1-1.5 महीने पहले उससे एग्जाम हो जाएगा अगर वो सितंबर वाली डेट आगे नहीं बढ़ती है। तो पिछली बार जो फिजिकल हुआ था वो हुआ था 30 अक्टूबर 2017 को, और उसका बाद जो उसका Tier 2 हुआ था वो दिसंबर में हुआ था जाके। तो इसी हिसाब से आप गैप देख सकते हैं कितना गैप मिलता है। तो आप अभी से भी अगर प्रिपरेशन सही से कर लें तो चांसेस हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी कुछ अगर कोई डाउट हो तो आप उसे पूछिएगा, और अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, और कितना नॉर्मलाइज मार्क्स आपके हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।